बड़ी खबर है जहां उदित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता और शराब कारोबारी अभय मिश्रा के बेटा की कंपनी बताई जाती जहां श्रमिक के बिजली के करंट लगे के बाद मौत हो गई रही, जिसके बाद नाराज परिजन स्थानीय लोगों के साथ चक्का जाम कई दे रहे, जिसके बाद मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। विनय क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जने का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। रीवा के कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक और शराब कारोबारी अभय मिश्रा के बेटे विभूति नयन मिश्रा के कंपनी उदित प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सतना जिले के उचेहरा में भारतीय दंड संहिता के धारा 304A और धारा 334 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जोने में उदित कंपनी के साथ मिथुन शर्मा और दो अन्य आरोपी का बना हुआ है। मामला में पूर्व विधायक अभय मिश्रा के बेटे विभूति नयन मिश्रा एक कंपनी के डायरेक्टर हम। गौरतलब यह है कि सतना जिले के उचेहरा थाना में आवे वाले अतहार के रहने वाले राजेश पटेल जो उनके 36 साल के रहे, पूर्व विधायक और शराब कारोबारी अभय मिश्रा के बेटे के कंपनी उदित प्राइवेट लिमिटेड में काम करते रहे। अमरपाटन के लगे रोड के सर्वे के काम के करत के समय श्रमिक राजेश पटेल करंट के चपेट में आए गए रहे, जिसमें बुरी तरह से श्रमिक झुलस गए रहे। वह साथ ही जब कंपनी के डायरेक्टर विभूति नयन मिश्रा का घटना के जानकारी दें उनका फोन लगाए, जानकारी लेने के बाद कंपनी के डायरेक्टर अपन फोन बंद कर लिए। नतीजा यह रहा कि श्रमिक राजेश पटेल के इलाज के अभाव में मौत हो गई। वह अगर समय से राजेश पटेल का अगर इलाज मिल जात तो गरीब के जान बचाई जा सकत रही, जेके बाद गुस्साए ग्रामीण और स्थानीय लोग के साथ है परिजन जमकर हंगामा करें और जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में ही चक्का जाम कर दें। आक्रोशित लोग कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ राजेश पटेल के मृत्यु के चलत गैर इरादतन हत्या के प्रकरण दर्ज करावे की मांग करते रहे, जिसके बाद कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह जानू, कुरमंसी समाज के युवा अध्यक्ष विक्रम सिंह विसेन, रवि प्रताप सिंह, सुग्रीव सिंह, रवि सिंह, विक्रम सिंह के साथ दूसर सामाजिक कार्यकर्ता परिजन घलाए मौजूद रहे। हम बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत सारी कंपनी संचालित हो रही है जो उनके कर्मचारी तो रखती हैं, लेकिन बात जब उनके सुरक्षा के उनके हिफाजत के होती तो आपन पल्ला झाड़ लेती हैं। जरूरत है शासन और प्रशासन ऐसा कड़ा कानून बनावे कि जिम्मेदार कंपनी उनका अधिकारी उनका डायरेक्टर श्रमिकन का जब रखा तो उनके जान माल की सुरक्षा और उनके इलाज के खिलाफ व्यवस्था करा। आपन और अपने परिवार के रखे ख्याल, दे इजाजत, प्रणाम।